हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, बड़े दिनों के बाद। तो आज हम बनाने वाले हैं सांभर बड़ा। तो चलो फिर बनाते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो इसीलिए सबसे पहले करते हैं आपको गुड मॉर्निंग। तो हेलो दोस्तों, ये हमने ली है उड़द की आधी किलो दाल है, ये 500 ग्राम दाल है। इसे हमने रात तक भिगो के रख दिया था पानी में, और अब हम इसको पीसेंगे, इसका बैटर बनाएंगे। तो चलो पीसते हैं। इसमें सबसे पहले हींग डाल लेते हैं थोड़ी सी। ये हम हींग डाल देते हैं इसमें, हमने इसमें हींग डाल दिया। चलो इसको पीस लेते हैं फटाफट। ये हमने इसमें जार में डाल दिया, अब इसे पीस लेते हैं। तो ये हमने बैटर पीस लिया उड़द दाल का, एक घंटे के लिए अब हम इसे ढक के रखते हैं। तो चलो इसे ढक देते हैं और अब बनाते हैं सांभर। तो गाइज, ये हमने घिया लिया है और सांभर बनाने के लिए, और ये हमने कद्दू लिया है जिसे हम सीताफल भी कहते हैं। तो ये हमने घिया आधी किलो घिया और आधी किलो सीताफली लिया है। तो चलो अब इसको छील लेते हैं और काट लेते हैं। तो गाइज, ये हमने घिया और सीताफल, और ये हमने एक चीज़ और ऐड करी हमने इसमें, इसे कहते हैं बैंगन। ये हमने तीन सब्जी हमने काट ली हैं, और इन सब्जियों का अब हम सांभर बनाएंगे। तो चलो सांभर बनाते हैं। ये हमने सारी सब्जी, बैंगन, कद्दू और घिया जिसे हम सीताफल भी कहते हैं, ये सब हमने काट लिया है, और अब हम बनाएंगे सांभर। तो गाइस, हमने अरहर की दाल ली है 200 ग्राम, और ये हमने 200 ग्राम दाल लेके अभी हम इसे कुकर में डालेंगे, पहले इस दाल को धो लेंगे। तो चलो सांभर बनाएंगे, इसी से बनाते हैं सांभर। तो गाइस, ये हमने दाल धो के कुकर में डाल दिया अरहर की, और अब हम इसी में सब्जी डालेंगे। तो अब ये घी हम कुकर में डाल देते हैं। तो अभी घी हम सारी डाल दे रहे हैं इसमें, और अब हम इसी में डालते हैं बैंगन जो हमने काटे थे। ये एक बैंगन हमने काटा था, ये हमने इसमें डाल दिया सब। और अब हम इसमें डाल लें कद्दू जिसे सीताफल भी कहते हैं हम। तो हमने कुकर में सारी सब्जी डाल दिए, और अब हम इसमें डालेंगे नमक। हमने इसमें 2 टीस्पून नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून हमने इसमें हल्दी डाल देनी है, 1 गिलास पानी डाल देते हैं इसमें, 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी, हमने इसमें 3 गिलास पानी डाल दिया है। हमने इसमें सीताफल, घिया, बैंगन की कटा हुआ और अरहर की दाल, हमने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं, और अब हम पकाएंगे इसे। तो अब हम इसको गैस को ऑन कर देते हैं। हमने इंडक्शन पे पका रहे हैं, आप चाहे तो गैस पे ही पका सकते हैं। तो चलो ऑन करते हैं। तो ये आपको फुल गैस पे भी अगर आप पका रहे हो तो आपको फुल आंच रखनी है गैस की। तो अब हम इसको ढक देते हैं, और ये अब हम इसे ढक रहे हैं। 3-4 सीटी में ये पक जाएगा सांभर हमारा, आधा घंटा करीबन लग जाएगा। तो चलो फिर मिलते हैं अब आपको आधे घंटे के बाद। तो गाइस, हमारी दाल हमने ढक के रख दी है, आधा घंटा दाल को भी हो चुका है, और अब हम दाल में धनिया मिर्च मिला लेते हैं। ये हम इसमें हरी धनिया डाल लें कटी हुई। और अब हम इसमें डाल लें अदरक कटी हुई और मिर्च कटी हुई, 4-5 हरी कटी हुई मिर्च डाल दी हमने, थोड़ा सा धनिया और अदरक थोड़ी सी। बड़े बनाने के लिए हमने ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं, और सब चीज़ें को अब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। आप देख लो, आपको इसी तरह मिक्स करनी है सारी चीज़ें। तो गाइस, ये हमारी दाल सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं, और अब हम दाल को अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं पता लगाने के लिए, अब हम डालेंगे पानी में इसे। आपको इस तरीके से पता लगाना है, ये देखो, आपको एक थोड़ी सी दाल डालनी है, अगर फूल के ऊपर आ जाए तो समझ लो वो मिक्स हो चुके सही से। तो गाइस, यही एक तरीका है जिससे दाल को पता लगाने का कि वो अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है और फूल चुकी है दाल हमारी। तो चलो बनाते हैं बड़े सांभर के लिए। तो गाइस, हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह फूल चुकी है, और अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, स्वाद अनुसार रख सकते हैं आप। हमने इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दिया है,
और अब इसको चला लेते हैं थोड़ा सा, नमक भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए जो। तो गाइज़ ये हमारा बैटर जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और अब हम इसकी बनाएंगे वड़े। तो गाइज़ अब हम ये हमारा तेल गर्म हो चुका है और अब हम बनाएंगे वड़े। हम इंडक्शन पे बना रहे हैं, आप चाहे तो गैस पे भी बना सकते हैं। ये देखो गाइज़ आपको इस तरह वड़े डालने हैं। हाँ गैस आपको मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। ये देखो गाइस आपको इस तरीके से रखना है, बीच में होल कर देना है जिससे कि सही से हो जाए, करके आपको कढ़ाई में डाल देना है। ये देखो गाइस आपको इस तरीके से पकौड़ी पका लेनी है सब। ये देखो गाइस इस तरीके से आपको पकौड़ी डाल लेनी है सारी। वड़े बनाने के लिए सबसे बढ़िया क्वांटिटी आपको बीच में होल कर दो जिससे कि पकौड़ी में ना फटे और ना ही तेल आपके ऊपर आए। सब में बढ़िया तरीका है बीच में आप पकौड़ी बनाते समय बैटर में होल कर दें। चलो फिर अब सारे वड़े फटाफट बना लेते हैं। तो गाइस ये हमारे वड़े जो हैं पक चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये देखो गाइस हमारे वड़े कितने अच्छे तरीके से पक चुके हैं। तो गाइस ये देखो हमारे वड़े कितने अच्छे तरीके से पके हैं, ये देखो आप। तो चलो और भी बड़े बना लेते हैं फटाफट। तो गाइस ये हमारे सारे बड़े बनके बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो सके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलो अब हमारा सांभर भी पक चुका होगा, उसे भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं सांभर कैसा बना है। और अब सांभर में मसाले वगैरह सब ऐड करते हैं। तो चलो बनते हैं अब सांभर की तरफ। तो गाइस ये हमारा सांभर जो है ये पक चुका है, अब इसे हम ढक्कन हटा के देखते हैं। ये देखो गाइस हमारा सांभर पक चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से, एक एक सब्जी इसकी पक चुकी है। अब इसमें ये थोड़ा गाढ़ा हो गया, अभी हम इसमें पानी डालेंगे और मसाले भी ऐड करेंगे। ये देखो गाइस और अभी हम इसमें तड़का भी लगाएंगे प्लस पानी। ये हमने इसमें पानी डाल दिया है, ये हमने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया और अब इसको चला लेते हैं। ध्यान रखना आपको इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, इसको थोड़ा पतला ही बनाना है, तभी सांभर का असली टेक्सचर निजर के आता है। ये देखो एक एक सब्जी हमारी पक चुकी है। तो गाइस हमने इसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसको एक उबाल आने तक इसको पका लेते हैं। तो चलो फिर अब इसको उबाल आने तक पकाते हैं जब तक। तो गाइस ये देखो इसमें उबाल आने लग गया है, अब आपको हटा के दिखाते हैं। ये देखो गाइस हमारे सांभर में उबाल आने लग गया है। तो इसमें उबाल आते समय अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। हमने इसमें पिसी लाल मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून। अब इसको चला लेते हैं। तो गाइस हमारा जो सांभर है पक चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे इमली का पानी। तो चलो कुकर हटा लेते हैं और इमली का पानी गर्म कर लेते हैं, उबाल लेते हैं सबसे पहले इमली को। तो गाइस ये हम इमली का पानी उबाल रहे हैं। तो गाइस ये हम इमली उबाल रहे हैं जिससे इमली का पानी सांभर में डालेंगे हम। तो चलो अब इमली उबाल लेते हैं पानी। तो गाइस ये देखो इमली में उबाल आना चालू हो गया है और हम गैस को कर देते हैं बंद। तो चलो इमली को उतार लेते हैं। तो गाइस ये हमने इमली इसमें से निकाल लिया है, ये पानी है इमली का और अब हम इसको सांभर में डालेंगे। सांभर में अब हम डालें इमली का पानी। हमने इसमें इमली का पानी डाल दिया है सारा। ये देखो तो गाइस एक बार और उबाल लगा लेते हैं, फिर हम गैस को बंद करेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे सांभर मसाला। तो गाइस हमारा उबाल आ चुका है सांभर में, इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून सांभर मसाला। ये हमने इसमें सांभर मसाला डाल दिया है 2 टीस्पून। अब इसको चला लेना है सांभर को अच्छे तरीके से। ये देखो गाइस सही तरीके से पक चुकी है हमारी।
ये हमारा सांभर जो है पूरी तरह पक चुका है और अब इसको बंद कर लेते हैं गैस और इसे उतार लेते हैं। ये हमारा सांभर जो है लगभग पक चुका है और अब हम इस पे तड़का लगाते हैं। तो चलो गैस तड़का लगाते हैं। ये हमने एक चम्मच तेल लिया है गैस। तेल हमारा जो है गर्म हो चुका है, ये सरसों का ही तेल है और इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून राई और इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च थोड़ी सूखी हुई। हमने इसमें राई और सूखी लाल मिर्च डाल दिए गाइस। तो गाइस हमने इसमें कड़ी पत्ते भी डाल दिए हैं थोड़े से। तो गाइस हमारा हो चुका है, इसमें तड़का लगा देते हैं। हमने इसमें तड़का लगा दिया गाइस। तो गाइस सांभर में तड़का लग चुका है। तो गाइस ये देखो, तो गाइस ये देखो हमारा सांभर में बिल्कुल अच्छी तरीके से तड़का लग चुका है। तो अब हम आपको दिखाते हैं सर्व करके डायरेक्ट, और नारियल की चटनी भी बना लेते हैं फटाफट। सांभर और वड़े तो बन गए, तो चलो नारियल की चटनी भी बना लेते हैं। तो गाइस चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक नारियल ले लिया है और हमने नारियल को अच्छी तरीके से काट लिया है और ये हमने 4 से 5 हरी मिर्च ले ली हैं और अब हम इसको पीसेंगे। तो चलो पीस लेते हैं सारी चीज़ें। ये हमने सारी चीज़ें जार में डाल दी है और अब इनको पीस लेते हैं। तो गाइस ये हमारी चटनी पिस चुकी है और अब हम इस चटनी में तड़का लगाएंगे। तो चलो तड़का लगाते हैं। तो गाइस अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच में तेल थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए। तो गाइस हमने इसमें तेल डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे राई। ये हम इसमें राई डाल देते हैं। तो गाइस अब हम इसमें डाल लें थोड़ी सी लाल मिर्च सूखी। ये हमने इसमें लाल मिर्च डाल दी है और इसमें डाल लें कड़ी पत्ते। ये हमने इसमें कड़ी पत्ते डाल दिए गाइस। तो गाइस हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं और उसको थोड़ा सा चला लेते हैं और तड़का लगाते हैं अभी। तो गाइस अब इसमें तड़का लगा देते हैं। ये देखो गाइस आपको इस तरीके से तड़का लगाना है, लग चुका है। तो गाइस ये हमारी नारियल की चटनी बनके बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार है। तो चलो फिर आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं एक साथ। तो गाइस ये हमारी साउथ इंडियन थाली बनके बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है, सांभर बड़ा और नारियल की चटनी। तो आप भी अपने घर में बनाइए, सभी को खिलाइए। तो चलो फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। ये देखो गाइस सांभर, ये देखो गाइस बड़े, और ये देखो गाइस नारियल की चटनी। तो आप भी अपने घर में बनाइए, सभी को खिलाइए। तो चलो फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ये देखो गाइस खा लो। तो गाइस जैसा कि आपने देखा सांभर वड़े और नारियल की चटनी बनके बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गई, हमने आपको वीडियो भी दिखा दी। तो चलो फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और आप भी अपने घर में बनाएं। तब के लिए जय हिंद जय भारत, एंड चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।